नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है स्पेशली फॉर यूपी के लोगों के लिए, और न सिर्फ इतना ही बल्कि खासकर बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक काफी बड़ी न्यूज आ रही है। तो दोस्तों, ये न्यूज सीधा सीधा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर है। ये एक्सप्रेसवे 259 किलोमीटर लंबा था और सीएम योगी ने इसके बारे में बताया था 20 अप्रैल 2017 में इसकी नींव रखी थी। ये बोला था कि हम लोग इसको बनाएंगे, जिसका टारगेट है कि 2022 से पहले पहले इसको खत्म कर लेना है। तो दोस्तों, इसको लेके एक काफी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है और एक ऐसी न्यूज लेकर के आ रही है जिससे ये लग रहा है कि हाँ, काफी तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों, अभी अभी यूपी ईडा के जो सीईओ हैं अविनाश कुमार अवस्थी, उन्होंने एक मीटिंग होल्ड करी। इस मीटिंग में काफी बड़े बड़े ऑफिशियल थे और इस मीटिंग का जो टॉपिक था और जो टारगेट था वो यही था कि काम कैसा चल रहा है ड्यूरिंग कोविड के टाइम में भी, इसका इंस्पेक्शन करना। और इसी बीच में उन्होंने एक काफी अच्छा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 60% वर्क जो कि इसके ऊपर होना था, मतलब एक एक्सप्रेस वे के ऊपर जिसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसको होना था, उसको टोटली कंप्लीट कर लिया गया है। ना सिर्फ दोस्तों इतना ही, इसके बाद उन्होंने कहा कि यमुना एंड बेतवा जो रिवर है जो कि इस लाइन रूट पे पड़ रहा था, इसको भी काफी हद तक बना दिया गया और वो इस काम से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। क्योंकि उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम में जहां अन्य राज्यों में काफी सारे काम रुक गए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि 2017 में जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, तब किसी को नहीं पता था कि इतनी जल्दी जमीन अधिग्रहण भी हो जाएगा, डीपीआर भी तैयार हो जाएगा और उसके बाद एक्सप्रेस वे का काम इतनी जल्दी तैयार भी होने लगेगा। और आज के टाइम में 60% से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इसी मीटिंग के दौरान उन्होंने तीसरी बात यह कही कि अपने ऑफिशियल्स को कहा कि स्पेशली जो बचे हुए 40% काम है उसको भी बहुत तेजी से निपटाने के लिए कहा, और कहा कि इसी बीच उसको जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए, 2022 से पहले ही इसको खत्म करने का टारगेट उन्होंने रखा। ना सिर्फ दोस्तों इतना ही बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि फर्दर इंस्पेक्शन के लिए जो टेक्निकल ऑडिटर हैं, जो जो कि अथॉरिटी इंजीनियर्स हैं, उनसे ये कहा कि फ्रीक्वेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टार्ट कराई जाए इस पूरे के पूरे एक्सप्रेस वे की, ताकि कहीं भी अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना किया जाए, कहीं पर भी क्वालिटी को रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो वो पहले ही उनको पता चल जाए, ताकि वो इस एक्सप्रेस वे में कोई भी अगर टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उसको पूरी तरह से सुधार पाए। दोस्तों, 269 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर किसी को ये नहीं पता कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में क्या डिफरेंस है, तो एक चीज मैं बता दूं, हाईवे जो है वो बिटवीन टू सिटीज के बीच में होता है। बेसिकली ये जो बनाया जाता है, ये दो सिटीज को कनेक्ट करना होता है। जैसे कि मान लो, अगर आपको गोरखपुर से आपको कानपुर जाना है, या फिर आप कह सकते हो गोरखपुर से अगर आपको जाना है वाराणसी, तो आपको हाईवे ठीक रहेगा। बेसिकली हाईवे जो होता है 4 लेन तक का होता है, लेकिन एक्सप्रेसवे वो उसका एडवांस वर्जन होता है। वहां की जो रोड होती है वो प्रॉपर उसी लिए बनाई जाती है ताकि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो मिनिमम 80 किलोमीटर हो। और दोस्तों, मैक्स टू मैक्स किसी भी एक्सप्रेसवे में बाइक को अलाउड नहीं किया जाता है, सिर्फ कार रहेंगी या फिर आप कह सकते हैं 4 व्हीलर्स ही रहती हैं ज्यादातर एक्सप्रेसवे में। और दोस्तों, एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि वहां पे पूरी तरह बैरिकेटिंग होता है और प्रॉपर लेन डिसाइड होता है कि कौन सा गाड़ी, कौन सी वाहन कौन से लेन में चलेगी, और उसमें कहीं पे भी किसी भी बैरिकेड को तोड़ के आने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, एक्सप्रेसवे 4 लेन से भी ज्यादा का होता है। ये बेसिकली बनाया जाता है 6 से 8 लेन का, इसकी मिनिमम लेंथ ही होती है 100 किलोमीटर से ऊपर। और तो और दोस्तों, इसकी जो ब्रेथ होती है वो मिनिमम 6 या 8 लेन की ही होती है, और कभी कभी तो ये 12 लेन तक भी बनाया जाता है। तो एक्सप्रेसवे इतनी बड़ी चीज है। और आपको जान के हैरानी होगी, यूपी में अभी टोटल 5 एक्सप्रेसवे ऐसे बन रहे हैं और उसमें से सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है जो कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए आ रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए। अगर आपको इसी तरीके और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और यहां तक देख लिया तो अच्छा ही लगा होगा। तो दोस्तों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।